हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको इस तरह की कुर्ती बनाना बताएंगे और ये फ्रिल कुर्ती है, बहुत ही इजी है इसको बनाना। तो चलिए अब हम इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने 4.5 मीटर फैब्रिक लिया है और ये हमारा कॉटन का फैब्रिक है। तो चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना यहाँ पर चोली पार्ट निकालेंगे। तो जितनी भी हमारी फिटिंग है उससे एक्स्ट्रा हम यहाँ पर चोली पार्ट निकालेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट के लिए हमने यहाँ पर पार्ट लिया है और हमारा ये फ्रंट पार्ट है। तो सबसे पहले हम इसकी ही कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा फोल्ड साइड है, ये हमारा यहाँ पर बंद साइड है, उस साइड को हमने 2 इंच पर मार्क किया है। ये इस तरीके से 2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पर लाइन को हम क्रॉस कर देंगे। तो इस तरीके से हम लाइन को क्रॉस कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए, अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो हमने 3 इंच पर मार्क किया है और 3 इंच का ही हम डीप रखेंगे। तो इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली है, बॉक्स बना लिया और इसमें गुलाई भी दे दी है। अब हम जो भी हमारे शोल्डर्स हैं वो 3.5 इंच रखेंगे और इसकी जो लेंथ है वो 6.5 इंच रखेंगे हम। इस तरीके से हम बॉक्स बनाएंगे और इसमें भी गुलाई दे देंगे। तो हमारी आर्म होल्स हो जाएंगे और यहाँ पर हल्का सा हम तिरछा यहाँ पर मार्किंग कर देंगे, जो भी हमारा शोल्डर होता है 1/2 इंच का। तो जो भी हमारा शोल्डर का मार्क होता है उससे आर्म होल्स का, उस तरफ को हम 1/2 इंच मार्किंग कर देंगे। अब यहाँ पर हम अपनी चेस्ट की फिटिंग रखेंगे। तो हमारी फोर्थ पार्ट में यहाँ पर 9.5 इंच फिटिंग है, तो मैंने 9.5 पे मार्क कर दिया है। और यहाँ पर हम 7 इंच हमारी फिटिंग है और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम प्लेट्स डालेंगे तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 8 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और इस मार्किंग को हम इस मार्किंग से मिला देंगे जो हमने 9.5 इंच की मार्किंग की थी। अब 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पर और नीचे भी 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे और इसको भी मिला देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया है और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर जो बार वाली लाइन है, तो सबसे पहले हम प्लेट्स का भी मार्क दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 4 इंच की यहाँ पर बैथ रखी है विथ, और लेंथ है वो मैंने 5 इंच की रखी है। तो मैंने प्लेट भी यहाँ पर डाल ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम नेक की कटिंग करेंगे और बाहर वाला जो मार्जिन है उसकी कटिंग हमने कटिंग कर ली है। और जो हमारा ये बन साइड है, इस साइड को भी हम कट कर लेंगे। तो देखिए, जिसके हमने फ्रंट ओपन यहाँ पर कर दिया है, अब बैक पार्ट की हम कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट को हमने एकदम फोल्ड किया है और फोल्ड करने के बाद जो बन साइड है वो मैंने इस साइड को रख दिया है और अपनी साइड को खुला हुआ साइड रखा है। तो इस तरीके से जो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको हम ऊपर की साइड को फोल्ड करके एकदम बराबर ही इस पर रखेंगे। तो मैंने 2 इंच जो एक्स्ट्रा लिया था उसको फोल्ड कर दिया है। इस तरीके से हमने ये रख दिया। अब हम जो भी हमारे यहाँ पर मार्किंग है वो हम कर लेंगे, बिल्कुल बराबर की ही मार्किंग करेंगे। और जो नेक हमारा है यहाँ पर सिर्फ 1 इंच हम डीप रखेंगे, क्योंकि ये कॉलर नेक बनाएंगे हम। तो 1 इंच हमने डीप रखा है। इस तरीके से अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, हमने बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली है। यहाँ पर भी 4 इंच की हम विड्थ रखेंगे और 5 इंच की लेंथ रखेंगे प्लेट की। तो हमने प्लेट का मार्किंग कर लिया है। सेकेंड साइड को इसको रफ करेंगे करके हमारी सेकेंड साइड को भी हो जाएगी मार्किंग। तो देखिए, इसके मैंने कट कर लिया है, वो सॉरी यहाँ पर मार्किंग कर ली है और ये प्लेट्स हम डालेंगे। तो चलिए अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्लीव के लिए फैब्रिक निकाला है। तो इस फैब्रिक की जो भी हमारी यहाँ पर विड्थ है वो मैंने 10 इंच रखी है और जो लेंथ है वो मैंने जितनी भी आपको रखनी है उस हिसाब से रख सकते हैं। मुझे यहाँ पर 14 इंच की रखनी है तो उसी हिसाब से हम रखेंगे। तो जिसकी मेरी 9.5 इंच फिटिंग थी तो मैंने उतनी ही यहाँ पर मार्किंग कर ली है और इसको बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद अब जो भी हमारा खुला हुआ पार्ट है उस साइड से हम 3 इंच की मार्किंग करेंगे और इसमें गुलाई दे देंगे। 3 इंच की मार्किंग करते हुए मैं यहाँ पर गुलाई दे देंगे और गुलाई देने के बाद नीचे से हम 1 इंच फोल्ड करने के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 1 इंच फोल्ड करने के लिए मार्किंग की है। अब यहाँ पर मेरी 14 से 15 इंच की स्लीव रह जा रही है। तो यहाँ पर 1/2 इंच ऊपर की साइड से हमारी ये दब जाएगी तो ये 14.5 इंच की रह जाएगी। 5 इंच हमारी फिटिंग थी और 1 इंच मैंने यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो मैं उससे जो एक्स्ट्रा लिया था उससे मैं यहाँ पर मार्क कर दूँगी और स्लीव को कट कर लूँगी। तो देखिए, जिसकी मैंने ये कट कर दी है
और यहाँ पर हम नॉट लगा लेंगे अटैच करने के लिए स्लीव को। तो ये स्लीव भी कट हो गई है, तो अब हम फ्रिल्स कट करेंगे, जो भी हमें यहाँ पर स्लीव को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। और जिसकी मैंने आप बताया था मैं फ्रिल वाली कुर्ती बना रही हूँ, तो मैं उसके लिए अब फ्रिल्स कट करूँगी। तो ये मैंने फ्रिल्स कट की हैं, इस तरह से मैंने सारी फ्रिल्स कट कर ली हैं। तो यहाँ पर ये मेरी थर्ड फ्रिल है और ये फोर्थ फ्रिल है। तो मैंने यहाँ पर इसकी इंच और लेंथ लिख दिए हैं, आप इसी तरह से कट कर लीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड थर्ड मैंने यहाँ पर जो फर्स्ट फ्रिल है तो वो 1 मीटर, दूसरे और जो सेकेंड है 2 मीटर, थर्ड है 3 मीटर, फोर्थ 4 मीटर की है। मैंने 1 मीटर यहाँ पर बढ़ा दिया है। और मैंने जो हमारी इसकी लेंथ है तो लेंथ भी इसके अकॉर्डिंग ही मैंने ली थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब मेरी जो स्लीव है, स्लीव को हम फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट है पहले मैं उसको तैयार करूँगी। तो जो फ्रंट पार्ट है उसका जो मैंने यहाँ पर 2 इंच ये मार्क किया था, इसको मैं फोल्ड कर लूँगी इस तरीके से। और जो सेकंड साइड को भी जो हमारी है उसको भी हम फोल्ड कर लेंगे 2 इंच की मार्किंग करके, इस तरीके से 2 इंच की मार्किंग करेंगे। और इसको भी हम फोल्ड कर देंगे, इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो जैसे कि मैंने ये फोल्ड कर दिया है, फोल्ड करने के बाद अब हम जो भी हमारा ये यहाँ पर मैंने फोल्ड किया है, इसको हम दूसरी साइड को फोल्ड यहाँ पर इसके ऊपर रखकर स्टिच कर देंगे। तो 3 इंच मैंने ऊपर की साइड को नेक कट किया था और 3.5 इंच की मार्जिन में इस पर भी ले रही हूँ, जो मैं ओपन रखूँगी। आप जितना भी ओपन रखना चाहें, ज़्यादा रखना चाहें ज़्यादा रख सकते हैं। तो मैंने दोनों पर मार्किंग कर ली और नीचे से मैं मिलाते हुए इसको स्टिच कर दूँगी। तो ऊपर जो मैंने मार्किंग की है वो मैं छोड़कर बाकी का स्टिच कर दूंगी, यहाँ पर स्टिच करते हुए ले आऊँगी। जो भी मेरी मार्किंग है उसको ही मैं रख के और स्टिच करते हुए ले आऊँगी। तो देखिए जिसके मैंने स्टिच कर दिया है और ये ऊपर कर दिया ऊपर की साइड को। तो जो भी मैंने यहाँ पर ये प्लेट्स की मार्किंग की थी, इसको भी मैं यहाँ पर प्लेट्स यहाँ पर जो मैंने मार्किंग की है उसको सेकेंड साइड को भी करके और ये प्लेट्स को भी हम डाल लेंगे। तो मेरी सेकेंड साइड को भी मैंने रफ किया था, तो यहाँ पर भी आ गए। अब मैं ये प्लेट्स को इस तरीके से करूँगी और यहाँ पर देख सकते हैं 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इसको स्टिच कर देंगे हम। तो देखिए जिसकी मैंने प्लेट्स डाल दी हैं और डालने के बाद जो मेरा बैक पार्ट है उसमें भी मैंने प्लेट्स को डाल दिया है। अब मैं शोल्डर्स को अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं कुर्ती के शोल्डर्स को दोनों को मिलाऊँगी और इनको भी अटैच कर दूँगी। तो देखिए जिसके अटैच कर दिए हैं और स्लीव भी हमने फोल्ड कर ली थी, तो स्लीव को भी अब हम अटैच कर लेंगे इसमें। तो जो हमने कट लगाया था, कट को शोल्डर के जो भी हमारी शोल्डर का यहाँ पर स्टिच हमने शोल्डर किया था वहीं से रखेंगे ज्वाइंट है जो, और वहीं से इसको अटैच कर देंगे। देखिए जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं इसी तरह से हमें स्लीव को अटैच करना है। तो हमने स्लीव को अटैच कर लिया है और फिटिंग की मार्किंग हमने कर दी है। आप अपने अकॉर्डिंग फिटिंग की मार्किंग कर लें और फिटिंग भी लगा दें। तो इस तरीके से हमने ये फिटिंग लगा दी है और फिटिंग लगाने के बाद अब हमने जो फ्रिल्स कट की थी उनको तैयार करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी चारों फ्रिल्स यहाँ रखी हुई हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट फ्रिल को आपको इस चाहे आप डायरेक्टली इसी में ज्वाइन कर लें और चाहे पहले फ्रिल्स तैयार कर लें फिर हम जो हमारा चोली पार्ट है उसमें ज्वाइन कर लें। तो इस तरीके से हम जो भी हमारा बीच का मार्जिन है वहीं पे रख कर भी हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हम यहाँ पर इजी ट्रिक आपको बता रहे हैं, आप उस तरीके से तैयार करिएगा तो बहुत ही ईजी एकदम इस पर स्टिच हो जाएगी। तो चलिए हम सबसे पहले जो फर्स्ट फ्रिल है उस फ्रिल को हम एकदम सीधा रखेंगे और जो सेकंड फ्रिल है वो हम फर्स्ट फ्रिल के ऊपर इस तरीके से उल्टा रखेंगे। और यहाँ पर छोटी छोटी जितनी भी हमारी इसमें प्लेटें आ जाएंगी, तो ये हमारा 1 मीटर यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो जितनी भी प्लेट्स हमारी आ जाएंगी हम इसमें छोटी छोटी प्लेट्स को डाल लेंगे। और जितना भी हमारा फैब्रिक है हमें जो हमारी फर्स्ट फ्रिल है उसी में हमको डाल लेनी है। हमारी यहाँ पर चाहे घनी प्लेट्स आएँ या कम हैं उसी हिसाब से हमें इसमें प्लेट को डाल लेना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जितनी भी हमारी इसमें प्लेट्स आई हैं हमने ये डाल ली हैं। डालने के बाद अब हमारी जो सेकंड फ्रिल है जिसमें हमने ये प्लेट्स डाली हैं, देख सकते हैं
तो ये जो हमने प्लेट्स ऊपर की साइड पर हम सिलाई भी लगा देंगे, और जो सेकंड फ्रिल है उसमें हम थर्ड फ्रिल को रखेंगे, और इसमें भी हमारी जितनी प्लेट्स आएंगी हम उतनी प्लेट्स को डाल लेंगे। तो जितनी भी प्लेट्स हमारी हैं हम यहाँ पर उतनी प्लेट्स डाल लेंगे, और जो फोर्थ फ्रिल है वो हम थर्ड फ्रिल में भी जितनी भी हमारी प्लेट्स आएंगी हम छोटी छोटी प्लेट्स यहाँ पर डाल लेंगे। तो देखिए जैसे कि मैंने ये सारे फ्रिल्स को अटैच कर लिया, ऊपर भी सिलाई लगा दी है और हमने नीचे तक इसको अटैच कर दिया है। अब हम जो भी हमारा सबसे ऊपर फर्स्ट फ्रिल है उसको भी सबसे पहले हम इसको साइड को फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से हम साइडों को फोल्ड कर देंगे, फिर हम इसको चोली पार्ट में अटैच करेंगे। तो देखिए जिसके मैंने ये साइडें हैं इसकी फोल्ड कर दी हैं, अब हम आराम से इसमें अटैच कर सकते हैं और कोई भी हमारी दिक्कत भी नहीं आएगी। तो हमारा जो चोली पार्ट है उसको हम बिल्कुल बेस सेंटर से पकड़ेंगे, और हमारा जो फ्रंट पार्ट है उस साइड को हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे, और यहीं से हम जो भी हमारा चोली पार्ट है आगे फ्रंट ओपन है ये, तो इसको यहीं से हमको अटैच करना है। तो बिल्कुल बीच सेंटर से ही अटैच करेंगे। तो यहाँ से हम इसको रखेंगे, और जितनी भी इसमें हमारी प्लेट्स आएंगी छोटी छोटी सी हम यहाँ पर प्लेट्स को डालेंगे और इसमें पूरे में इसको अटैच कर देंगे। तो जहाँ से स्टार्टिंग करेंगे वहीं पर ला के हमने इसको यहाँ पर रख भी देना है, और हमने प्लेट्स जो भी पड़े वो डाल दी हैं और ऊपर सिलाई भी, और नीचे की साइड को जो भी हमारा फैब्रिक था उसको हमने फोल्ड भी कर दिया है। तो अब हम कॉलर बनाएंगे। तो कॉलर के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर इसका नाप ले लेंगे कि हमारा ये कॉलर कितना आएगा। तो यहाँ पर हमारा 18.5 इंच कॉलर आ रहा है, तो हमने यहाँ पर 18.5 इंच का पेस्टिंग रूल लिया है बिल्कुल बराबर, और इसको हम डबल में फोल्ड करेंगे और कॉलर की मार्किंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमें कॉलर की जो चौड़ाई वो 1 इंच रखनी है, विड्थ इसकी बताएं तो हमें इसकी 1 इंच रखनी है, और यहाँ पर हम कॉलर की गोलाई दे देंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर कॉलर की गोलाई दी है, और इसकी जो विड्थ है 1 इंच ही रखनी है, तो इसको हम कट कर लेंगे। तो जिसके हमने ये कॉलर कट कर लिया है, अब इस कॉलर को हम जो भी हमारा कुर्ती का फैब्रिक है उसके ऊपर रख कर इसको आयरन कर लेंगे। तो जो भी हमारा साइनिंग वाला साइड है वो हम नीचे की साइड को रख के इसको आयरन कर लेंगे। तो हमने आयरन कर लिया है, और 1/2 इंच एक्स्ट्रा मैंने करते हुए यहाँ पर फैब्रिक कट कर लिया था, इसमें डबल करके मैंने नीचे की साइड को 1/2 इंच और ऊपर 1 पॉइंट का मैंने फैब्रिक छोड़ा है। अब हम साइड से इसमें सिलाई लगा देंगे, सिर्फ जो हमारा नीचे का पार्ट है वो छोड़ेंगे और सिलाई लगा देंगे। लगा दिए और सीधा करके हमने ऊपर की साइड को भी सिलाई लगा दी थी। तो जैसे ही हमारा ये पूरा यहाँ पर स्टिच हो गया है, तो चलिए अब इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। तो जो भी हमारा पेस्टिंग वाला साइड होता है उस साइड से हम रखेंगे और इसको पूरे में अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद फिर हमारा जो ऊपर का फैब्रिक होता है उसको भी अंदर की साइड को फोल्ड कर देंगे। तो हमारे यहाँ पर कॉलर एकदम लग के तैयार हो गया है, और यहाँ पर जो भी हमारा ये फ्रंट मैंने ओपन किया था पट्टी लगाई थी, तो यहाँ पर हम ऊपर से 3-3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। तो हम 3-3 इंच की मार्किंग करते हुए लेके आएंगे यहाँ से, और यहाँ पर हम बटन या स्टोन जो भी हमारा इस पर अच्छे लगे हैं वो लगा लें। तो यहाँ पर हम बटन से हमने छोटे छोटे से बटन लिए हैं, हम इनको अटैच करेंगे। तो हम ये डबल करके बटन को यहाँ पर रखेंगे और इनको अटैच कर लेंगे। और अंदर की साइड को यहाँ पर ऊपर हमें ओपन रखना है, तो यहाँ पर ये कम चटकनी या हुक लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये कुर्ती तैयार हो गई है, हमने यहाँ पर बटन्स को अटैच कर दिया है, और ये हमारी फुल घेर कुर्ती है। काफ़ी घेर आता है इस कुर्ती में, और पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लुक देती है, और हम इसको जीन्स या पैंट किसी की भी ऊपर पहन सकते हैं, और बहुत ही अच्छी लगती है ये कुर्ती। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।